हेलो फ्रेंड्स, माय सर्व सुनिको आप हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU एंड यू आर वाचिंग ASS ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें कि डिस्कस करेंगे कि आपको जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो या जो लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं उनको एलेन या आकाश या किसी भी अदर कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं उसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखिए जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप एक तरह से एग्ज़ाम कंपटीशन जो है, ठीक है, एग्ज़ाम कंपटीशन से आप थोड़ा सा एक्सक्लूडेड हो। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम तो दे नहीं रहो, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्ज़ाम तो दे नहीं रहो, तो आपको नीट के दिन जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसका प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है। आप कंटेंट तो याद करते चले जा रहे हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छा करते चले जा रहे हो, लेकिन आप जो नीट के दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम दोगे वो वाला फीलिंग आपके अंदर कभी नहीं आएगा, वो प्रिपरेशन आपका छूट जाएगा यदि आप कहीं का टेस्ट नहीं दे रहे हो तो। हाँ, यदि आप टेस्ट दे रहे हो किसी भी कोचिंग से जुड़े हो, कहीं से DLP लिए हो, किसी भी लोकल कोचिंग हो या अच्छा कोचिंग हो या ऊपर कोचिंग हो, मतलब नहीं रखता। हाँ, आप कहीं भी यदि बैठकर टेस्ट दे रहे हो दैट इज़ गुड फॉर दैट। ठीक है, मैं बस आपको लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, आप खुद सहमत होंगे इन पॉइंट से। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आप एग्ज़ाम देने में एग्ज़ाम के समय क्या माइंडसेट होना चाहिए वो उसके प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप किसी न किसी टेस्ट में अपीयर करें। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम के कंपटीशन मतलब एग्ज़ाम के हॉल में जो आपका फीलिंग है, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल का जो एक प्रिपरेशन होता है वो आप नहीं कर पा रहे हो यदि आप एग्ज़ाम कहीं का प्रिपेयर नहीं दे रहे हो तो। ठीक है, तो इसलिए जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए मैं बोलूँगा कि आप ज्वाइन करें जरूर। ठीक है, एलेन का ज्वाइन कर सकते हो, आकाश का ज्वाइन कर सकते हो, कहीं का भी। मुझे एलेन और आकाश में बेसिकली डिफरेंस पता नहीं, क्योंकि मैंने आकाश का टेस्ट सीरीज दिया नहीं था, मैंने सिर्फ एलेन का दिया था। तो मैं एलेन का बताऊँगा, मैं एलेन का वहीं पर दे मतलब DLP नहीं, मतलब तो मैं क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, तो एलेन के क्वेश्चंस ठीक थे, अच्छे रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आकाश के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, आप किसी आकाश वाले स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि मेरा मेन फोकस है कि आप ज्वाइन कर सकते हो कहीं कोई भी इंस्टीट्यूट हो, गोल हो आपका, एलेन हो, आकाश हो, JRS पढ़ रहे हो या K2K में पढ़ रहे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो आप कर सकते हो। यदि किसी भी कोई भी कोचिंग हो उसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पहला पॉइंट उसके सपोर्ट में बताया आपको कि आप एग्ज़ाम हॉल के लिए नीट के दिन प्रिपेयर हो पाओ, उसके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम देना। दूसरा, जो मैंने बोर्ड पर पहले लिख दिया, कंपटीशन। ठीक है, देखिए नीट में कम से कम 13 से 14 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम अपीयर करने वाले हैं। इस 13 से 14 लाख में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हो वो आपको बताएगा क्या एग्ज़ाम ही बताएगा कि आपका प्रिपरेशन कहाँ है और आप इस 13 से 14 लाख में कहाँ हो। देखिए, आप यदि किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो, एलनी आकाश या कुछ और का, तो उसमें क्या होगा, कम से कम 30,000 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर जरूर करते हैं। ठीक है, जो DLP लेते हैं, जो मैक्सिमम लोग 30,000 जरूर आपके एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे, जो फाइनल मेजर एग्ज़ाम होता है जब बाद में, तो या ठीक है, या मान लीजिए 30,000 नहीं भी करें, मैं ज़्यादा यदि बोल रहा हूँ तो मान लीजिए 10,000 भी करता है। ठीक है, तो 10,000 में आपके, देखिए आपको पता है भाई, एलेन आकाश इस सब जो इंस्टीट्यूट है और अदर इंस्टीट्यूट जो भी हो उससे अच्छे रैंक आ रहे हैं, तो उसमें सारे अच्छे वाले बच्चे तो हैं। अब 10,000 में यदि आपका रैंक 50 आता है तो आपको लगेगा कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लगेगा कि मेरा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत शानदार। यदि आपका रैंक मान लीजिए 9,500 आता है तो आपको पता चलेगा ना कि हम कहाँ पीछे चल रहे हैं। आपको वहाँ, देखिए आप अपने जो लोकल जगह पर कहीं भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ आपको एक कंपटीशन का आइडिया नहीं लग रहा, आपको वहाँ आपके लेवल के बच्चे नहीं है सारे। जब अपने लेवल के बच्चे के साथ आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई मेरा रैंक क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जरूर किसी कहीं ना कहीं ज्वाइन करें, आप कहीं ना कहीं एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर ले, आपको उसका बेनिफिशियल पता चलेगा कि एग्जाम हॉल के लिए आप प्रिपेयर हो गए। दूसरा, जो बताया आपको कंपटीशन का आइडिया लगेगा, आप अपने आप को पा पाओगे कि हाँ, हम इस पूरे कंपटीशन में किस पोजीशन पर अभी स्टैंड कर रहे हैं, अभी जितना मेरा प्रिपरेशन है उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बस समझ में आया ना। इसके अलावा जो इसमें तीसरा फायदा है, दूसरा फायदा था, तीसरा फायदा है आपका सिलेबस के ऊपर। टेस्ट के अकॉर्डिंग यदि आप सिलेबस प्रिपेयर करते हो तो वो हमेशा बेनिफिशियल तैयार, मतलब वो काफ़ी बेनिफिट देने वाला होता है टेस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब आज से मान लीजिए टेस्ट में 5 चैप्टर आने वाला है फिजिक्स का, 5 चैप्टर केमिस्ट्री का आने वाला है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यदि सिलेबस को प्रिपेयर करो दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट फॉर यू गेटिंग। तो टेस्ट
यदि आप दे रहे हो तो टेस्ट में तो सिलेबस वेल डिफाइन होता है कि भाई ये चैप्टर्स पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप 20 दिन मान लो 20 या 21 दिन में टेस्ट होने वाला, तो 20-21 दिन में आप उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे और वो जो प्रिपरेशन वो बेस्ट प्रिपरेशन होता है। हम लोग भी देखते थे जब टेस्ट के लिए जो पढ़ते थे ना, काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल होता था और एक डायरेक्शन मिल जाता था कि हाँ ये चैप्टर्स इस वीक में कंप्लीट करना है, इस 3 वीक में ये सारे चैप्टर्स पर सारे क्वेश्चंस करना है, ये इनको कंप्लीट करना, तो एक आइडिया मिल जाता है कि भाई इस वीक में कितना पढ़ा जाए, इस पूरे मंथ में कितना पढ़ना है। ये तीसरा फायदा है टेस्ट ज्वाइन करने का। जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं या जो लोग ये रहते हैं उनको रैंडम पढ़ते हैं वो, ठीक है, उनको आइडिया नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बात समझ आ रहा ना। तो टेस्ट देना एक बेनिफिशियल पार्ट हो सकता है आपके लिए, बात समझ आ रहा ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो तीनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम हॉल के लिए प्रिपेयर करेगा, आपको एक कंपटीशन का आइडिया देगा और आपके सिलेबस के कंप्लीट होने में स्मूथली हेल्प करेगा। चौथा, ये आपके वीक पोर्शन को एक्सपोज करेगा। यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपके वीक पोर्शन एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, यदि आप टेस्ट दोगे तो आपका वीक पोर्शन एक्सपोज होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई एक टेस्ट में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आ रहे हैं, यदि उस टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं आपके, कुछ पोर्शन में आप अटक रहे हो तो पता चल जाएगा आपको, तो उससे आपको क्या होगा, वीक पोर्शन आपके एक्सपोज होंगे, उसके कंटेंट को आप वीडियो को बार बार देखो या जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पर आप जाकर डिस्कस करोगे तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, बात समझ आया ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको वीक पोर्शन को एक्सपोज करने में भी आपको टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्प देगा। ये मेरे अपने पॉइंट से, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, ये मेरे अपने पॉइंट से, आप इनसे डिफर हो सकते हो। आपको यदि लगता है कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए तो दैट इज़ योर, ऐसा हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, तो इसके लिए मतलब ये नहीं करना है कि आप ऐसे बोल रहे हो ऐसे, ठीक है, मेरा एक अपना ओपिनियन है, आप इससे डिफर हो सकते हो, इसके लिए घबराने की बात नहीं है, गेटिंग। तो मैं फिर से बोल दूँ आपको, तो ये 4 पॉइंट्स हमको लगते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे हमसे कि भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें। अब जो डाउट है कि भाई किसका ज्वाइन करें, किसका ज्वाइन करने में मैं आपको बताऊंगा कुछ दिन बाद, ठीक है। अभी मुझे आकाश का आइडिया नहीं है, तो आकाश वाले स्टूडेंट्स से मैं डिस्कस करूँगा, जो लोग आकाश से आए हैं यहाँ पर BHU में, उनसे हम डिस्कस करके आपको ज़रूर बताएंगे कि आकाश या LN या अदर कोचिंग में कौन सा बेस्ट रहेगा। ओके, सो थैंक यू वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा भाई, एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक अगेन, चलिए बाय बाय।